नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। काजला विकास खंड प्रांगण में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा MLC वीरेंद्र सिंह व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51 जोड़ों के विवाह कराए गए। इस दौरान विकास खंड प्रांगण में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 28 मुस्लिम जोड़े 23 हिंदू जोड़ों की नव दंपत्ति की शादी कराई गई। विवाह समारोह में नवविवाहित जोड़ों को MLC वीरेंद्र सिंह व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक सहित कर्मचारियों के द्वारा शादी का प्रमाण पत्र देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना कर आशीर्वाद दिया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज विकास खंड कार्यालय में 51 शादी कराई जा रही है, जिसमें 28 मुस्लिम समाज से हैं और 23 हिंदू समाज से हैं। क्योंकि ये योजना पारदर्शिता से परिपूर्ण है और इसमें कोई धर्म कोई जाति की नहीं, केवल जो भी लाभार्थी है, जो भी हमारी कंडीशन पूरी करता है, जो गरीब लोग हैं उनकी शादी आदरणीय मुख्यमंत्री योजना के अनुसार हम लोग करा रहे हैं। क्या दिया जा रहा है? इसमें 35,000 रुपये लड़की के अकाउंट में जाते हैं, 10,000 रुपये का दान दहेज दिया जाता है और 6,000 रुपये खाना पीना पंडित जी मौलवी सबके खर्च में आता है। 51,000 रुपये हम एक जोड़े पर खर्च करते हैं। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।